हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस डाउट की वीडियो में हम दोबारा देखने जा रहे हैं जी मीन का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर से है। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को देख लेते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन हमसे बोला क्या गया है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 80 kgs मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड कोलाइड्स विद अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kgs मूविंग विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड फाइंड द लॉस ऑफ एनर्जी एज्यूमिंग अ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ऑप्शंस हमारे पास है 12 जूल, 24 जूल, 30 जूल्स और 32 जूल्स। अब ऑप्शन तो आपको दिखाई दे रहा है 32 जूल्स, लेकिन ये करेक्ट आया कैसे उसको आज की इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी किए करते हैं क्वेश्चन को सीधे सॉल्व। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको छोटा सा काम करना है, सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे। जल्दी से इस वीडियो के नीचे जाना और सब्सक्राइब बटन को दबा देना। क्यों आपको सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही अच्छे अच्छे जेईई के डाउट के वीडियोस मिलते हैं। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं ठोका तो जल्दी से लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है और जो हमसे पूछा गया है उसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पर दो बॉडीज हैं। तो पहली बॉडी है उसको मैं ला रहा हूँ नंबर 1। उसके लिए हमारे पास जो मास दे रखा है m1, मैं उसको लिख रहा हूँ, वो हमारे पास है 80 kgs, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो वेलोसिटी है v1, इसकी वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड हमें दे रखी है, ठीक है। ये तो मेरे पास हो गया नंबर 1 के लिए। अब जो नंबर 2 बॉडी है उसके लिए मैंने मान लिया मास m2 है, जो कि हमारे पास दे रखा है 20 kgs, और उसके जो वेलोसिटी है वो हमारे पास दे रखी है v2 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और हमसे अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है, एक और बात हमें दे रखी है उसको लिख लेते हैं। ये दोनों बॉडीज क्या कर रही है, परफेक्टली क्या कर रही है भैया, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कर रही हैं। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हमसे कर रही हैं, आपस में क्या कर रही है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कर रही है। अब ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होता क्या है उसको भी थोड़ा जानेंगे, उसके जो कंडीशंस होते हैं उनको हम जानेंगे। पहले हम देख रहे थे कि क्वेश्चन से पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फाइंड लॉस ऑफ एनर्जी। जब इनका जो कॉलिजन हो जाएगा तो भैया पहले जो एनर्जी थी वो उससे तो कमी होगी ना, क्योंकि जब कॉलिजन हो जाता है तो उसके बाद क्या है, एनर्जी कुछ निकल जाती है। तो वो एनर्जी जो निकलेगी तो उन दोनों का डिफरेंस हमें देखना है, दैट इज क्या है, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, क्योंकि इनिशियली ज्यादा एनर्जी होगी फाइनली में कम हो जाएगी। तो ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ये हमें निकालना है, टू फाइंड हो गया, ठीक है, यहाँ पर समझ आ रहा है। अब देखिए परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का क्या है, इसका क्या मतलब है, तो इसकी सिर्फ 2 कंडीशंस होती है जो मेनली आप यूज करेंगे क्वेश्चंस में। पहली है E is equals to 0, और दूसरी क्या है, V1 is equals to V2। अब इसका क्या मतलब है मैं इसको भी लिख देता हूँ, इट एम्प्लाइज दैट ऑब्जेक्ट विल मूव विथ सेम वेलोसिटी के साथ, तो दोनों ऑब्जेक्ट है वो मूव करेंगे। अब देखिए सेम स्पीड होता तो समझ आता है, लेकिन सेम वेलोसिटी इसका मतलब क्या है कि दोनों ऑब्जेक्ट चिपक गए हैं और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी में क्या आता है, स्पीड प्लस डायरेक्शन। स्पीड होती तो मैं मान सकता था, हम भी मान सकते थे, आप भी मैं भी कि भैया क्या है, अलग अलग हो सकती, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, लेकिन स्पीड उनकी सेम है। लेकिन अगर सेम वेलोसिटी हो गया ना तो इसका मतलब है कि दोनों चिपक गए हैं और एक ही डायरेक्शन में सेम स्पीड से जा रहे हैं, इसका मतलब इस क्लियर है। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन जब भी आए तो दोनों बॉडी आफ्टर कोलिजन चिपक जाएंगी और एक ही स्पीड से जाएंगी और एक ही डायरेक्शन में जाएंगी, ठीक है। ये आपको दोनों चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से ये आपको याद रखना है, मैं यहाँ पर इसको स्टार मार्क भी कर देता हूँ, ये कंडीशंस होती हैं। अगर मैं इसको लिखूं सिंपली तो इसका मतलब क्या हो गया, दे स्टिक टू ईच अदर। यहाँ पे अगर मैं इसको और सिंपली लिखूं ईच अदर, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, स्टिक टू ईच अदर, ठीक है। अब देखिए इसका थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा, कि जिससे हमें फील आएगी क्वेश्चन में वो क्या रहा है एक्चुअली में, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है मेरे पास, ये ए है, ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर बॉडी है, ठीक है। दोनों बॉडीज हैं, मैंने थोड़ा उल्टा बना दिया है कि ये मैंने 80 kg से छोटा बन गया है मुझसे, और ये 20 kg थोड़ा बड़ा बन गया, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मेरे पास क्या है, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट वाला है, मैं इसको नंबर देता हूँ फर्स्ट, और ये मेरे पास सेकंड है, ये मेरे पास चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये मेरे पास था क्या, बिफोर कोलिजन, ये दोनों ही सरफेस पे हैं, ये भी सरफेस पे टच है इससे, ठीक है। ये क्या है, बिफोर कोलिजन, ठीक है, इतना समझ आ रहा है। अब देखिए क्या हुआ, कुछ टाइम बाद तो बड़ी चले, अब इसके बाद क्या हो गया, आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, देखिए आफ्टर कोलिजन में क्या हुआ, जो 80 वाला था और जो ये 20 वाला था दोनों ही चिपक गए आपस में,
और एक ही स्पीड से आप जा रहे हैं 20 kg, ये दोनों आप क्या है एक ही स्पीड से जा रहे हैं, तो इनकी स्पीड आप बस होगी लेट से वी मैन मान लेते हो, ठीक है। ये बस क्या है आफ्टर कोलिजन की कंडीशन है, आफ्टर कोलिजन। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये सिर्फ किसके किस में पॉसिबल है, परफेक्टली मैं लिख देता हूं यहां पर, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तभी पॉसिबल है, इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तभी ये पॉसिबल है कि दोनों स्टिक हो जाएंगी, एक दूसरे में चिपक जाएंगी और एक ही स्पीड से एक ही डायरेक्शन में जाएंगी, ठीक है। जब भी आपको कोलिजन के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको स्टेप क्या करना है, आपको इस तरह डायग्राम बनाने के बाद कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा देना है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कब लगाते हैं, जब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होती है, तो यहाँ पर कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स है नहीं तो इसलिए वो सब जीरो हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर लगा सकते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ नेट सिग्मा एफ नेट इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। सिग्मा का मतलब है कि जितने भी सम एशन है जो भी नेट फोर्सेज है बाहर की वो सब क्या है जीरो है, एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल पर ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पर इंटरनल कुछ भी हो सकती है लेकिन एक्सटर्नल फोर्सेज आपको यहाँ पर क्या करनी है जीरो है, तो वहाँ पर आप लगा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये होता क्या है, ये होता है एम इनिशियल यू इनिशियल इज इक्वल्स टू एम फाइनल और यू फाइनल, ये होती है सिंपली अगर मैं लिखूँ बहुत छोटे टर्म्स में। अब मैं इसमें अप्लाई कर लेता हूँ यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम वन वी वन प्लस में एम टू वी टू इज इक्वल्स टू एम वन प्लस एम टू इनटू में वी, क्योंकि देखिए एक ही बॉडी बन गई है अब तो दोनों कनेक्ट हो गए तो इनका मास ऐड हो गया और एक सेम वेलोसिटी जा रहे हैं। देखिए एम वन मेरे पास था 80 इनटू में 2 प्लस में 20 इनटू में 4 इज इक्वल्स टू, ये एम वन प्लस एम टू हो गया 80 प्लस 20 100 वी, ठीक है। तो ऐसा अगर मैं वेलोसिटी निकालू तो मेरे पास वेलोसिटी आ रही है 2.4 मीटर पर सेकंड, बड़ी सिंपल कैलकुलेशन आप बड़े ही आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब देखिए दूसरी कंडीशन, अब दूसरी कंडीशन क्या होगी, हमसे तो क्वेश्चन पूछा गया था लॉस ऑफ एनर्जी पूछा गया था ना, तो मैं सीधे लॉस ऑफ एनर्जी पे आ जाता हूँ। हम देखेंगे इनिशियल एनर्जी, तो ये हो जाएगा ई इनिशियल, ठीक है। ई इनिशियल हम देखेंगे, देखिए दोनों बॉडीज पे क्या था अपना अपना, देखिए यहाँ पर आप देखिए दोनों बॉडीज पे अपनी क्या वेलोसिटी थी, तो यहाँ से मैं क्लियरली दिख रहा है कि ई इनिशियल क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, इस पे कोई भी पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं क्योंकि ग्राउंड पे है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी दोनों पे ही, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी को मैं ऐड कर लेता हूँ इनिशियली, तो यही होगा एनर्जी, उसके बाद देखेंगे फाइनली क्या होता है। तो ये हो जाएगा हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस में हाफ एम टू v2 स्क्वायर, ये तो होगा। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो हाफ कॉमन लिया, m1 मेरे पास कितना है, कितना है 80 है, और v1 स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ठीक है। मैं सीधा लिख रहा हूँ प्लस में m2 मेरे पास था 20 और 4 था इसकी वेलोसिटी, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये मेरे पास आता ओवरऑल 320 जूल्स, तो ये मेरे पास क्या आ गया e1 आ गया, क्या आ गया e इनिशियल आ गया, इनिशियल तो ये है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या हो रहा है, इसके बाद मेरे पास देखते हैं e फाइनल, तो e फाइनल मेरे पास क्या होगा, ई फाइनल क्या होगा, देखिए यहाँ पर फिर से आप देखिए तो ये पूरी एक बॉडी बन गई है, इसमें भी सिर्फ वेलोसिटी है और कुछ नहीं है, इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है क्योंकि कोई भी हाइट पे नहीं, ग्राउंड पे ही है सब, तो ग्राउंड पे तो इसमें सिर्फ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इसका मतलब फिर से काइनेटिक एनर्जी आनी है और ये बॉडी इसका मास अब एक हो गया है, ठीक है। तो अब इसके हम ई फाइनल में लिख देते हैं, तो देखिए ई फाइनल के पास क्या हो जाएगा हाफ एम वन प्लस एम टू इंटू में वी स्क्वायर जो हमने माना था, तो देखिए हाफ ऐसे ही रहेगा एम वन एम टू 100 हो गया हमारे पास, तो वी स्क्वायर हम देखिए वेलोसिटी हमने वैल्यू निकाल ली थी, वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 2.4 मीटर पर सेकंड, तो अभी इसी वैल्यू को हम यहाँ पर डाल देते हैं, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2.4 का स्क्वायर, ठीक है 2.4 का स्क्वायर, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं ओवरऑल तो ये मेरे पास आता है 288 जूल्स, ठीक है। तो 288 जूल्स हमारे पास क्या आ गया ई फाइनल आ गया, मतलब कि फाइनल एनर्जी भी हमें मिल गई अब इनिशियली मिल गई, अब निकालना क्या है इनका डिफरेंस, तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं, तो देयरफॉर हम ऐसे क्या कह सकते हैं, देयरफॉर लॉस ऑफ एनर्जी, देयरफॉर लॉस ऑफ एनर्जी जो कि क्या हो जाएगा डेल्टा ई, हम इसके ले सकते हैं ई इनिशियल माइनस में ई फाइनल, और ये मेरे पास आ गया 320 माइनस में 288, ये मेरे पास कितना आ गया, ये मेरे पास आ गया 32 जूल्स, तो इतना एनर्जी का लॉस होगा जब ये कोलिजन होगा, तो कोलिजन होने के बाद इतना एनर्जी का लॉस हो जाएगा कितना 32 जूल्स, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, और इस तरह से हमें पूरा क्वेश्चन करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अगर आपको कोई भी डाउट बचता है तो इस वीडियो के नीचे जाके आप कमेंट मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहां पर आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि जो सोल्यूशन मैंने आपसे डिस्कस किया है ये आपको डाउनलोड करना है, तो इसके लिए आपको छोटा सा काम करना है, जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहां पर आपको लिंक मिलेगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पेज का डाउनलोड भी कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले डाउट क्वेश्चन के साथ, टिल देन बाय बाय टाटा।